गत्ते बनाने वाली फैक्ट्री में मशीन के अंदर मजदूर का हाथ दबने से मजदूर का हाथ कट गया, जिसके बाद वह अपने परिवार का भरण पोषण करने में असक्षम साबित हो रहा है। वहीं इसको लेकर जब वह कंपनी के मालिक से बात करता है तो मालिक उससे अभद्रता करता हुआ नजर आता है, जिसको लेकर उसने कंपनी के माल खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। गाजीबाद की ट्रोनिका सिटी औद्योगिक इलाके में 15 दिन पहले गत्ते की मशीन में हाथ फंसने से मजदूर का हाथ कटने की कगार पर है। ऐसा कमलेश ने बताया कि गत्ते की फैक्ट्री का मालिक जबरन काम करा रहा था, जिससे मजदूर कमलेश का हाथ मशीन में दब गया। कमलेश ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि हाथ को काटना भी पड़ सकता है, अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो। कमलेश ने बताया वो अपने परिवार के लिए इस फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन जब से मशीन में हाथ दबा है तब से फैक्ट्री मालिक के व्यवहार में भी बदलाव नजर आ रहा है। जब भी कमलेश इलाज कराने के लिए कहता है तो इस फैक्ट्री के मालिक कमलेश से अभद्रता पर उतर आते हैं। फिलहाल कमलेश ने ट्रोनिका सिटी थाना प्रभारी अरविंद पाठक से थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कमलेश को समय रहते प्रशासन द्वारा न्याय मिल पाएगा। सुधाकर सिंह, गाजियाबाद, समाचार 24। क्या हुआ था? हमारे लड़के के कंपनी में काम कर रहे थे, काम करते हुए उसमें गत्ते फंस गए थे। वो गत्ते निकाल रहे थे, दूसरे का बिगड़ नहीं तो क्या किया, मशीन चला दिया तो हाथों पर डाल दिया। मालिक क्या कह रहा? मालिक का कह रहा इलाज कराएंगे, कराएंगे, करा नहीं रहा। कितने दिन हो गए हाथ कटे हुए? 17 तारीख के कट। क्या इलाज कराया अब तक उन्होंने? कुछ नहीं, वो यहाँ पर जो है एक हमने करवाया जब सही था। अच्छा, आधा सीरियस हो गया तो मना कर रहा है। क्या सीरियस हो गया, क्या बताया गया? गलने लगा हाथ, हाथ गलने लगा, हाथ गल रहा है। अच्छा, तो फिर क्या बोल रहे हैं मालिक? अब क्या बोल के गए? अब कह रहे कि नहीं करवाएंगे, इलाज का खर्चा देंगे। चौकी पे आके क्या कहा उन्होंने? हमने खर्चा दे रहे हैं, नहीं इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए आप पुलिस में आए? क्या नाम है आपका? समझे नाम है सर। क्या हुआ सर? मेरा हाथ आ गया था मशीन में। किस फैक्ट्री में काम करते हैं? गत्ते लाइन में करता हूँ, मॉल के पीछे सिटी चौक पे। क्या नाम है फैक्ट्री का? जेके पेंटर। अच्छा, क्या हुआ था? बस वही मशीन चलते हुए थे, कारीगरी गलती से हाथ आ गया था। अच्छा, मिस्टेक थी कारीगरी, मालिक ने प्रेशर डाल रखा था। मालिक क्या प्रेशर डाल रहा था? वही बार बार कभी चाहिए अभी चाहिए, जब डब्बे काटो जल्दी, अर्जेंट में। रोज 8 घंटे की ड्यूटी थी, उस दिन उन्होंने रोक के रखा था 2 घंटे ओवर टाइम। ड्यूटी से अलग टाइम में मेरा हाथ कटा था, ये उन्होंने कहा था नहीं करो 2 घंटे और ओवर टाइम में। अच्छा, तो कितने दिन हो गए कटे हुए? कटे हुए दिन हो गए सर, 20 दिन होने वाले थे। अच्छा, क्या 20 दिन में क्या कोई राहत मिली है आपको मालिक की तरफ से? एक भी जख्म नहीं सूखा और बढ़ रहा है। तो आपने जो पुलिस से शिकायत की है, इस पे का क्या परिणाम मिला आपको? बस परिणाम क्या, वो तो मुँह फेर के चले गए, बस कुछ नहीं। क्या बोला मालिक ने? मालिक बोल रहा है करवाएंगे, आप मुकर के चले गए, बाहर आते अंदर बोल लेते करवाएंगे, उसके बाद बाहर कह रहे थे नहीं करवाएंगे, जो करना है कर लो आप। तो कैसा आपको महसूस हो रहा है कि आप जिनके लिए काम करते थे उन्होंने आपको इस स्थिति में छोड़ दिया है कि ना आप घर के रहें और ना ही घाट के रहें? जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस यही कर रहे हैं, जब इलाज करवा रहा तब मना कर रहा है, नहीं करवाएंगे, प्लांट का ना हाथ तो मारा है। मजदूर आदमी हम घर पर बैठे, मैं घर कमाने वाला कोई है ही नहीं। मेरे पापा बाहर में रहते हैं, काम धंधा नहीं कर सकते, वो मरीज आदमी है, मैं ये कमाने वाला हूँ घर में। न अब तक तनख्वाह दी, न उसने खर्चा दिया पूर्वा मुझे। क्या लग रहा है पुलिस में आने से न्याय मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं, देखो कंप्लेन डाल रखी है, पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा तो फोन करना। अब